नूर मालविका का पार्थिव शरीर हाल ही में उनके किराए के मकान में पाया गया। बताया जा रहा है कि नूर मालविका का निधन 6 जून को हो गया था, लेकिन 4 दिन बाद इसकी खबर लगी और पुलिस को उनका पार्थिव शरीर मिला। अब दिवंगत एक्ट्रेस के परिवार का बयान भी सामने आ गया है। परिवार ने दावा किया कि नूर डिप्रेशन से जूझ रही थी। वो बॉलीवुड में अपना करियर न चला पाने की वजह से तनाव में रहती थी। मूल रूप से बांग्लादेश सीमा के पास असम के एक शहर करीमगंज की रहने वाली नूर एक्ट्रेस बनना चाहती थी। परिवार का कहना है कि नूर डिप्रेशन की स्थिति में थी और उसी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लिया होगा। हालांकि अभी नूर मालविका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम गोरेगांव की बीएमसी के सिद्धार्थ हॉस्पिटल में किया गया है। मालविका दास की आंटी आरती दास ने करीमगंज में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, नूर एक्ट्रेस बनने की बड़ी उम्मीदें लेकर मुंबई गई थी और उसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रही थी। हम समझते हैं कि मालविका अपनी अचीवमेंट से संतुष्ट नहीं थी, जिससे उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस को संदेह है कि नूर मालविका ने अपनी जान नहीं ली थी, बल्कि इसके पीछे किसी और षड्यंत्र की बात चल रही है। इसलिए पूरे मामले की गहनता से और इसी एंगल से जांच करने के लिए भी कहा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।